पाठ्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी ली थी। आज हम फिर से उसका पुनरावलोकन करते हैं। पत्र लेखन को समझने से पहले चलिए जानते हैं पत्र अर्थात क्या और पत्र के प्रकार। पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। पत्र लेखन एक कला है। हर स्थान पर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता, तब वह पत्र लिखकर अपने मन के भावों को लिखित रूप में दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। इसीलिए पत्र लेखन को एक कला भी कहा गया है। पत्र लेखन के मूलतः दो भाग होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। आज के इस भाग में हम बात करेंगे अनौपचारिक पत्र किसे कहेंगे। अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है, जैसे अपने मित्र, माता पिता या अन्य पारिवारिक संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्योरा एवं विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंधों को उल्लेखित किया जाता है। चलिए देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत किस तरह के पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आने वाले पत्र इस प्रकार है: शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, आभार या धन्यवाद पत्र, निमंत्रण पत्र, प्रार्थना पत्र, अनुमति पत्र, शोक संवेदना या सहानुभूति पत्र, सुझाव या सलाह पत्र। आइए देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र के भाग कौन कौन से हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले पत्र लेखक का नाम एवं पता लिखा जाता है। पत्र के बाईं ओर ऊपर की ओर से यह लिखा जाता है। पत्र लेखक के पते के ठीक नीचे दिनांक लिखनी चाहिए। उसके बाद संबोधन सूचक शब्द लिखना चाहिए। जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके साथ हमारा जो संबंध है उसके अनुसार संबोधन लिखना चाहिए। संबोधन के बाद अभिवादन सूचक शब्द लिखना चाहिए। उसके बाद विषय का स्पष्टीकरण, पत्र का जो हमारा विषय है उसका स्पष्टीकरण हमें दो या तीन अनुच्छेद में करना आवश्यक है। उसके बाद समापन निर्देश या स्वनिर्देश, विषय समापन के बाद स्वनिर्देश देकर पत्र का समापन करना चाहिए। चलिए इसी के अनुसार हम देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र का प्रारूप किस प्रकार से होता है। चलिए देखते हैं अनौपचारिक पत्र का प्रारूप किस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे पत्र लेखक का पता, उसके बाद दिनांक, संबोधन, अभिवादन, विषय के अनुसार विषय का स्पष्टीकरण, उसके बाद स्वनिर्देश और अंत में लिखेंगे पत्र लेखक का नाम। इस तरीके से इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर अगर हम अपना अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो वह एक पूरा सही तरीके से लिखा गया पत्र तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र का आरंभ एवं समापन की पद्धति। देखिए यहाँ पर चार कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं। एक है संबंध, दूसरा है संबोधन, तीसरा है अभिवादन और चौथा है समापन। पत्र के विषय के अनुसार हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उससे हमारा क्या संबंध है, उसके अनुसार हमें कौन सा संबोधन उपयोग करना चाहिए, कौन सा अभिवादन उपयोग करना चाहिए और उसका समापन किस प्रकार से करना चाहिए, यही इस पूरे कॉलम में दिया गया है। देखिए जब हम अपनों से बड़ों के लिए पत्र लिखते हैं, जैसे माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, गुरु शिक्षक
या बड़े भाई बहन या परिवार के अन्य बड़े बुजुर्ग, उनको जब हम पत्र लिखते हैं तो उनके लिए हमें जो संबोधन उपयोग में लाना है वो है पूजनीय या आदरणीय या पूज्य या माननीय। इनमें से कोई एक संबोधन का उपयोग आपको करना है। अभिवादन में आप उपयोग करेंगे सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम या चरण वंदना। और अंत में पत्र के समापन में आपका बेटा या आपकी बेटी, आपका आज्ञाकारी।